दोस्तों बिग बॉस 8 की प्रोमो में हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर भाई बात करते हैं सीजन का पहला नॉमिनेशन हो गया। जी हाँ, कौन कौन नॉमिनेशन कंटेस्टर है आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा जैसे ही हमारे पास खबर आएगी। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो करण वीर का नाम फैसाने से मना कर लेते हैं गुंड रतन सदावर्ते। जी हाँ, और बोल रहे हैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, नहीं नाम पता है तो नहीं पता है कर लो, डाकुओं के खानदान से मैं आता हूँ, अपना एटीट्यूड बरकरार रखता हूँ। जी हाँ, उसके बाद भाई करण वीर अविनाश और ईशा को एक विशेष अधिकार बिग बॉस देते हैं कि आप तीनों में से किसी एक और सदस्य को सुन लें जो जेल में बंद रहेगा। और मुझे लगता है कि बात करें तो इन तीनों ने नाम लिया है गुंड रतन सदावर्ते का। उसके बाद क्या? जी हां दोस्तों, ये गुंड रतन सदावर्ते कहते हैं मुझे मंजूर नहीं है, सवाल टॉर्चर का नहीं होता, भूमिका का होता है, हम कोर्ट में भी ऐसी भूमिका रखते हैं, मैं नहीं जाऊंगा और नहीं मैं अभी क्विट करूंगा, मैंने अन्न त्याग दिया है और पानी भी त्याग दिया है, नेशनल टेलीविजन पर कह रहा हूं कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। इस तरीके का गुंड रतन सदावर्ते के बोल आ गए हैं, डाकुओं वाला अंदाज आ गया। लगता है यदि गुंड रतन सदावर्ते इसी तरीके से अपने पर डटे रहे और इसी तरीके से बोलते रहे तो हो सकता है कि आने वाले दोस्तों सीजन में हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं।